अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ महमूद अहमद और आज मेरी मंजिल है मंठा प्राइमियर खान और सादिकाबाद के नवाब, एक कस्बा है। आए चलते हैं, आपको दिखाते हैं मंठार का सफ़र और रास्ता। और एक और चीज़ आपको दिखानी है, वो ये है आज मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरी है, गर्मी कम है। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो है आंधी का खतरा और आंधी के साथ साथ बारिश का भी। अब अगर हम देखें ये इस साइड पे गंदम की जो है कटाई होके बांध रहे हैं गंदम, और इकट्ठी की हुई है अक्सर जगह पे, किसी जगह पे थ्रेशर लगी हुई है, हार्वेस्टिंग है। तो ज़िम्मेदारों के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है कि अगर बारिश आती है तो बिजाई भी लेट होगी और कटाई, जो गंदम की कटाई है वो भी लेट होगी। और अगर जो काट के बांध के गंदम जमा की हुई है उस पर अगर बारिश होती है तो वो बड़ा लंबा अरसा उसको कई दिन तक धूप लगवाने के बाद वो दोबारा से थ्रेशर में उसको थ्रेशर किया जा सकता है, अदरवाइज़ वो मसाइल खड़े करती है, ये सही तरह से गहाई नहीं होती उसकी। तो चलते हैं मंठार की तरफ, यहाँ से अभी 26 किलोमीटर है मंठार। मकसद आज फील्ड है और देखते हैं मंठार की सिचुएशन क्या है। मैं खुद काफ़ी दिनों से नहीं गया हूँ क्योंकि बिजाई वहाँ पे शुरू है, क्योंकि वो रेगिस्तान का एरिया है, तो रेगिस्तान और दरिया की बेल्ट जो है यहाँ पे जल्दी गंदम तैयार हो जाती है और अगली फसल जल्दी काश्त होती है। चलें आए दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, पहुँच गए हैं जी तकरीबन मंठार बंगला। आपको नज़र आ रहा होगा कि हवा भी काफ़ी तेज़ है पौधों से और यहाँ पे धूप निकली हुई है, पीछे धूप नहीं थी, सूरज नहीं था। नहर का जैसे मैंने आपको बताया था साथ ही नहर है, तो ये बंद पड़ी है। वाराबंदी का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, वाराबंदी ये होती है कि एक ही वक्त में अगर दो नहरें एक जगह को सैराब कर रही हैं तो कुछ दिन के लिए एक नहर को बंद किया जाता है और कुछ दिन के लिए फिर दूसरी नहर को बंद कर दिया जाता है, इसे वाराबंदी कहते हैं। एक ही साथ पूरे इलाके के जो पानी का सिस्टम है या आबपाशी का जो सिस्टम है, नहरें हैं, उनको बंद नहीं किया जाता बल्कि उनको एक को बंद कर दिया जाता है, आधी को बंद कर दिया जाता है और आधी चल रही होती हैं, और फिर उसके बाद मुकर्रर दिनों के बाद दोबारा से वो नहरें जो बंद थी उनको चला दिया जाता है और जो चल रही थी उनको बंद कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद नॉर्मल रूटीन पे काम आ जाता है। ये है जी मंठार अड्डा, बेसिकली ये बंगला मंठार है। हमने जाना है जी कंडेल रोड पे। मैं आपको ये एक और चीज़ बताता चलूँ कि हम जिस अड्डे पे हैं या जिस कस्बे में हैं, ये अब शायद जिस रोड पे हम हैं कि यहाँ से जो ट्रैक्टर वाला है वो ट्रैक्टर के साथ उसने यहाँ तो कोई ज़मीन की तैयारी के लिए दूसरी मशीनरी फिट की होगी, जैसे कटाई के लिए जो रैपर थ्रेशर या इस तरह से हर बंदा मसरूफ अमल ही नज़र आएगा आपको।
आखिर हमारी मंजिल सामने पहुंच गई, पहुंच गए हैं जी अपनी मंजिल पे। तकरीबन सामने आपको नज़र आ रही होंगी, ये जिस बंदे को मैंने मिलना था वो ये गुजर के गया, राय मूसा। तो इनको वापस बुलाते हैं कि भाई जी वापस आए। जज़ाकअल्लाह जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।